महाराज की जय। अब बताओ मुखिया जी, क्या बात है? महाराज जी, आप तो जानते ही हैं, आज तलक भी बरखा नहीं हुई है, और हमारे पास जो कुछ है उसमें इस साल गुजर बसर हुई जाए वही बहुत है महाराज। सो अन्नदाता, हम आपके पास पहले ही करने आए हैं कि आप इस साल का पूरा लगान माफ कर दें भाई बाप। देखो मुखिया जी, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों पर क्या बीत रही है, लेकिन हमारे हाथ भी बंधे हैं। गोरी चमड़ी वाले अपने बाप के सगे नहीं होते। दुगना लगान तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम योर हाइनेस? कैप्टन रसल, ये किसान एक अर्जी लेकर आए हैं। वो क्या? ये चाहते हैं कि हम इस साल का लगान माफ कर दें, पर हमने बता दिया है कि ये नामुमकिन है। देखिए। लेकिन ये मुमकिन है। वो कैसे? हम बताते हैं। ठीक है, हम लगान माफ करेगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? का शर्त लाड साहब? तुम इधर आओ। क्या कहा था तुमने हमारे खेल के बारे में? पुनिधि से? हाँ, सदिया बदासा खेल है। तुम इस खेल के बारे में क्या जानते हो? बचपन से खेलते आ रहे हैं। हामी का गिली डंडा कहते हैं और आप न जाने का क्रिकेट। तो तुम्हारे ये कहने हैं कि ये क्रिकेट तुम खेल सकते हो? हाँ, आसान है। ठीक है, तुम्हें लगान माफ कर देता हूं, लेकिन तुम्हें इस खेल में हमें हराना होगा। शर्त ये है कि तुम हमको इस खेल में हराओ और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा। I'm serious. You beat us in this game, and I'll cancel your tax. लेकिन कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। ठीक है, बोलो, शर्त मंजूर है? Sir, I think the cat's caught his tongue. Quiet. ठीक है, हम शर्त बताता है। तुम हमको इस खेल में हराओगे तो तुम्हारा इस साल का तो किया, हम अगले साल का भी लगान माफ कर देगा। है मंजूर? भुवन, भुवन कुछ मत कहना। चुप रहना भुवन, चुप रहना। हाँ भुवन, कुछ मत बोलना। ठीक है, हम शर्त और बढ़ाता है। सिर्फ एक नहीं, अगले 2 साल का लगान माफ कर देगा यानी 3 साल। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, सारे प्रांत का। अब मंजूर है? हमका फसाए हुए के खातिर गड्ढा खोदा जा रहा है भुवन। हाँ भुवन। मुखिया जी, आप बात करें। मुखिया, यहाँ बात कीजिए। आप मेरे साहब से बात करो। लाट साहब। शाह साहब, तुम बोलो,
दोगुना लगान दोगे? किस्मत मंजूर है। शरत मंजूर है। Did he agree? Yes, he did. ठीक है। तो फिर ये तेरा हाँ। खेल ठीक 3 महीने बाद खेल जाएगा। This is Saves life.